सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा, पुरुषों के जीवन में महिला होगी और महिलाओं के लिए पुरुष होगा, अपोजिट विपरीत लिंग के प्रति एक आकर्षण सबका होता है और वो आकर्षण इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति सारी लिमिट क्रॉस कर देता है, पाप की, कुशील की, और वहां तक चला जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा होता है, व्यक्ति जानते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तो एक ऐसे तरीकों को करने की कोशिश करें जो हमारे मन के संयम को पैदा करें। कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, उस ब्रह्मचर्य को पाने के लिए, उसे जीने के लिए कौन सी भावना अपने भीतर करें ताकि हमारा मन जो है चंचलता को छोड़ करके स्थिरता तक आ सके। चंचलता क्यों होती है, किसे लेकर के होती है, पहले उसे समझो तो फिर बहुत आसानी से हम अपने संयम को पा सकते हैं। व्यक्ति का राग संसार में एकमात्र शरीर को लेकर के होता है ना? वह शरीर से ही प्रभावित होता है, शरीर में ही रमण करता है, शरीर को ही चाहता है, उसी की वह आकांक्षा करता है। तो शरीर के प्रति इतना गहरा राग रहता है, जो मैथुन संज्ञा है वो इतनी गहरी बैठी है प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो तिर्यंच हो, वो इससे आसानी से ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन कुछ ऐसे विरले पुरुष भी होते हैं, वह इस शरीर को देखते हुए भी वैराग्य से भरे रहते हैं, उनके मरे पर मन में कोई दूषित भावना पैदा नहीं होती है। तो वो अपने जीवन में क्या करते हैं कि उनका मन जो है इधर उधर नहीं भटकता है, इधर उधर की कल्पना नहीं करता है, बिल्कुल समीचीन धारणा बना करके चलता है। उस अभ्यास को आज करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा तरीका है, यदि अंदर से आप लोग चाहते हो कि नहीं अपने राग को कम करना। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं 80-80 वर्ष के भी हो जाते हैं फिर भी उनका राग कम नहीं होता है, उनकी इच्छाएं जो हैं शांत नहीं होती है। और कई ऐसे भी होते हैं 20 वर्ष की उम्र में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है, शरीर दोनों को मिला है, बस उस अंतर को पकड़ने की कोशिश आज करेंगे। तो सर्वप्रथम उसे देखें जो हमें दूषित करता है, तो शरीर शरीर के कुछ अंगोपांग, उसे देख करके व्यक्ति बिल्कुल अपने परिणामों को खो देता है। तो आज किसका ध्यान करना है, बस उसी का ध्यान करना है। सभी लोगों से कह रहे हैं अपने मानस में उस व्यक्ति का चिंतन लाना है जिसके बिना आप चैन से रह नहीं पाते। बिल्कुल पुरुष वर्ग को अपनी उस महिला का, स्त्री का चिंतन करना है जो बहुत प्रिय है, और महिला वर्ग को उस पुरुष का चिंतन करना है जिसे देख करके, जिसे सोच करके परिणाम खराब हो जाते हैं। ठीक है, गलत कह रहे हैं हम? हाँ?
आज भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, किसका चिंतन करना, जो बहुत सुंदर है आपकी दृष्टि में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कामदेव हो, अथवा वह स्वर्ग की अप्सरा हो। ठीक है, पुरुषों के लिए कह रहे हैं, जो बहुत सुंदर स्वर्ग की अप्सरा है, इमेजिन कर सकते हो तो कर लेना, और वो नहीं तो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है व्यवहारिक जीवन में, जिसके बारे में आप ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ठीक है, उसी का चिंतन करना है। और महिला वर्ग से भी कह रहे हैं, जिसकी भावना आप हमेशा करते रहते हैं, पाने की आकांक्षा करते हैं, उसका चिंतन, उसका भी नहीं, उसके शरीर का चिंतन, शरीर का ही नहीं, शरीर के विशेष अंगों पांगों का चिंतन, ठीक है, जिसको देख करके राग तीव्र हो जाता है। चलो आज वही कराएंगे, और फिर हम राग से उस वैराग्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पांच मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। अंतिम दिन है परेश्रम पर्व का, इसे बहुत अच्छे भावों से करना, निश्चित रूप से कहते हैं इसका बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पांच मुद्राओं, अरिहंत मुद्रा, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स, दूसरी मुद्रा, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। तीसरे मंत्र, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चौथी मुद्रा, दृष्टि दोनों मुठों की, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। पांचवी मुद्रा, अपने मन अपने कमर को झुकाएं, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स, आसन स्थिर रखें,
आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता। अब उसी धारणा को बनाना है जो हम आपसे कहें। गहरी सांस ले, उस ओंकार की ध्वनि को करना है। सांस लें, उस नाभि से उठते हुए उस ओम बीजाक्षर को देखें। वह ओम पूरे मस्तिष्क तक विचरण करता हुआ गहरी सांस लेकर सारे विकल्प को छोड़कर अपना ध्यान अपनी ओर, उस श्वास की ओर, आती हुई श्वास को जितनी शक्ति हो भीतर रोक करके रखें। पुनः धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। भटकते हुए मन को अपने भीतर स्थिर रखें। आंखें बंद रखते हुए आसन स्थिर रखते हुए शरीर को शीतल शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें।
उस आती जाती सांस को देखें। बाहर के सारे संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर आंखें बंद रखते हुए उस व्यक्ति का चिंतन करें जो आप सबसे प्रिय मानते हैं। उस सुंदर शरीर को अपनी दृष्टि के सामने लेकर के आए, देखें शरीर का कौन सा अंग हमें प्रभावित करता है, वो चेहरा, चेहरे में वो ललाट, वो गाल, वो होंठ, वो चिन्ह, बिल्कुल उसको देखे हैं। अब थोड़ा और उस चेहरे को देखने की कोशिश करें, वो बॉडी का फेयर कलर जो हम आपको प्रभावित करता है, बहुत गौर से देखें उसके फेस को। अब उस चमड़ी की लेयर को अंदर ही अंदर हटाने की कोशिश करें, उस चेहरे से बहते हुए उस ब्लड को देखें। जो चेहरा बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था, उससे बहते हुए उस खून को देखें। क्या अभी भी मेरा राग वैसा ही है? उस 1 mm की स्किन लेयर को हटा करके अब उस चेहरे को देखने की कोशिश करें, उन गालों को देखें जिन गालों से वह ब्लड बह करके आ रहा है। नव द्वार बहे घिन कारी, नव द्वार असी देह